आगे बात करते हैं अयोध्या की, जहां प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। तो मध्य प्रदेश भी राम भक्ति में डूब चुका है। प्रभु श्री राम की निशानियां मध्य प्रदेश के भी कण कण में हैं। वनवास के समय प्रभु राम ने यहां की धरा को धन्य किया था। श्री राम के चरण जहां पड़े थे, उस श्री राम वन गमन पथ का फिर से निर्माण किया जा रहा है। शिवराज सरकार के समय शुरू हुई योजना को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम ने चित्रकूट में बैठक भी की है, इसी मसले को लेकर राम वन गमन पथ पर चर्चा की है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चित्रकूट में हुई इस बैठक में। और तीन चरणों में निर्माण होगा राम वन गमन पथ का। 10 जिलों से होकर गुजरता है ये पूरा पथ। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार राम वन गमन पथ है क्या और एमपी में से लेकर क्या तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ की बात करें तो चित्रकूट, सतना, शहडोल राम वन गमन पथ से जुड़े हुए स्थल हैं। पन्ना, जबलपुर, विदिशा में भी राम वन गमन पथ वहां से होकर गुजरता है। तीन चरणों में राम वन गमन पथ का विकास अब एमपी की सरकार करने वाली है। केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर काम करेंगी इस दिशा में, जहां केंद्र सरकार खर्च का बड़ा हिस्सा वहन करेगी। शिवराज सरकार ने गठित किया था रामचंद्र पथ गमन न्यास। न्यास में हैं 33 सदस्य, योजना को आगे बढ़ा रही है मोहन यादव की सरकार। चित्रकूट में राम वन गमन पथ पर सीएम ने बैठक भी की। एक दशक से जारी है पथ के निर्माण की कोशिशें, कई बार किए जा चुके हैं सर्वे भी। एमपी के 10 जिलों में राम वन गमन पथ से जगहें जुड़ी हुई हैं। तो पूरा एमपी इस समय राममय हो चुका है। एमपी क्या कहें, हम पूरा देश इस समय राममय हो चुका है। और मध्य प्रदेश में भी राम वन गमन पथ को विकसित करने की बात कही जा रही है। अपर्णा, बिल्कुल बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की, जिन्होंने कह दी है भूगोल बदलने की बात। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अभी केवल 370 हटाई है, अभी सिर्फ इतिहास बदला। एक मौका और दे दो, हम भूगोल को भी बदल देंगे। ये बात कही रामेश्वर शर्मा ने। उनकी माने तो राजा राम के बेटे लव की राजधानी लाहौर थी और उससे भी हम लेकर रहेंगे। 370 हटाइए, अभी केवल तुमने इतिहास बदला है, एक मौका और देना। मैं देवास की चामुंडा की धरती पर बोलकर जा रहा हूं, अगले मौके में भूगोल भी बदल कर दिखा देंगे। ये आपको हम बता देना चाहते हैं, ये हमारा संकल्प है। जिन लुटेरों ने लाहौर कराची दी है, उनको बता देना चाहते हैं लाहौर कराची उनके बाप की नहीं है, राजा राम के बेटे लव की राजधानी लाहौर थी। एक दिन उसको लेकर रहेंगे। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने रामेश्वर शर्मा के बयान पर किया है पलटवार। वो एक सीनियर एमएलए हो गए हैं, उन्हें वो चीज़ बोलना चाहिए जो लोगों के भी समझ में आ जाए और जिसे वो खुद भी समझते हों। कई इतिहास और भूगोल जो भारत का बदलने का संकल्प लेकर आए थे, उनका आज नामो निशान नहीं है। सत्ता के गलियारे में घूमते हुए वो अहंकारी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। सर, दूसरा राजस्थान की बजाय